आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे कोरोना बम फूटा है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे फूटा है कोरोना बम। तो गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जनपद में 17 एक्टिव मरीजों की संख्या है। गोरखपुर में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है, एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जनपद में 17 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। गोरखपुर में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 संक्रमित एक साथ मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ गई है, 17 हो गई है जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या। बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से। फिर कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही गोरखपुर में भी 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 17 हो गई है। जनविश्वास यात्रा के दौरान सांसद के कोतवाल ने छुए पैर। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के छुए पैर। सांसद के पैर छूना कोतवाल अशोक कुमार सिंह को पड़ा भारी। हाल ही में अशोक सिंह का हुआ है तबादला। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाल हुए लाइन हाजिर। जनविश्वास यात्रा के दौरान सांसद के कोतवाल ने छुए पैर, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के पैर छुए हैं कोतवाल ने और ये भारी पड़ गया कोतवाल को। सांसद के पैर छूना कोतवाल अशोक कुमार सिंह को पड़ा भारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, हाल ही में अशोक सिंह का हुआ है तबादला। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाल हुए लाइन हाजिर, बड़ी खबर सामने आ रही है। जनविश्वास यात्रा के दौरान सांसद के पैर छूना कोतवाल को पड़ा भारी। अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह के छुए पैर कोतवाल ने, जिसके बाद कोतवाल को होना पड़ा लाइन हाजिर। सांसद के पैर छूना कोतवाल अशोक कुमार को पड़ा भारी। हाल ही में अशोक सिंह का हुआ है तबादला। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाल हुए लाइन हाजिर, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाल को पैर छूना पड़ा भारी। जनविश्वास यात्रा के दौरान सांसद के कोतवाल ने छुए पैर, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के छुए पैर, सांसद के पैर छूना कोतवाल अशोक कुमार सिंह को पड़ा भारी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से कोतवाल पैर छूता नजर आ रहा है सांसद के, जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो काफी भारी पड़ा ये पैर छूना। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, सरेआम सांसद के पैर छू रहे हैं कोतवाल, किस तरह की तस्वीर है ये? देखिए शिखा, ये पूरा जो मामला है ये बाराबंकी का है। जन विश्वास यात्रा के दौरान जो पावर्टी कोतवाल हैं, उन्होंने अयोध्या से जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उनके पैर छुए हैं और उसका जो वीडियो है वो भी बड़े धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का, नेताओं के पैर छूने का जो चलन है वो बदस्तूर जारी है। जी, सांसद के पैर छूने का ये जो वीडियो है, इसमें जो कोतवाल है वो अशोक कुमार सिंह है। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई भी की गई है, उनका जो तबादला है वो कर दिया गया है। जी जी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये किस तरह का संदेश देती है नितिन? देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सत्ता के सामने असीन है, सत्ता के कहने पर ही काम करती है। और उसी का ही ये ताजा नजरिया जो है वो देखने को मिला है कि इस तरह का ये जो वीडियो निकल कर सामने आया है, जहाँ पर सांसद के पैर छूते हुए कोतवाल साहब दिखाई दिए हैं, अशोक कुमार सिंह। और उसके बाद अगर अशोक कुमार सिंह ने जब पैर छुए हैं तो सांसद लल्लू सिंह का रिएक्शन जो है वो भी देखने वाला था, क्योंकि जिस तरह से लल्लू सिंह ने अशोक कुमार सिंह की पीठ थपथपाई है वो भी बड़ा विवादास्पद तरीका है। ऐसा लग रहा है कि कोई नेता अपने कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहा है। जी तो नितिन, क्या इन दोनों में पहले से कोई जान पहचान या संबंध हो सकता है? जो ये नजारा देखने को मिला, जिस तरह से प्रेम भाव से दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई संबंध हो सकता है? देखिए, संबंध किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन एक
नेता होने के नाते, सांसद होने के नाते कोतवाल साहब ने जी हजूरी करना ज्यादा बेहतर समझा है और जी हजूरी के चक्कर में ही कोतवाल साहब सांसद लल्लू का पैर छूने पहुंच गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी जो जितना राजनीति में या फिर इस तरह के कामों में अपने आप को नेताओं के सामने अपनी वफादारी दिखाने का एक प्रयास करता है वो उतना ही वफादार कहलाता भी है और उसको उतना ही बढ़िया इनाम भी मिलता है। तो अशोक कुमार सिंह ने भी सोचा होगा कि चलो पैर छूको, अगर कोई काम बन जाता है तो काम बना लिया जाए, और पैर छू लिया अशोक कुमार सिंह ने, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हैं। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, अखिलेश यादव का दो दिन का अयोध्या दौरा, 8-9 जनवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव, 8 जनवरी की रात अयोध्या में रुकेंगे अखिलेश। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का दो दिन का अयोध्या दौरा, 8-9 जनवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 जनवरी की रात अयोध्या में ही रुकेंगे अखिलेश, दो दिन के दौरे पर अखिलेश जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, अखिलेश यादव का दो दिन का अयोध्या दौरा, 8 और 9 जनवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव, 8 जनवरी की रात अयोध्या में रुकेंगे अखिलेश। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का दो दिन का अयोध्या दौरा है, अयोध्या में जनता के सामने पेश होंगे और वादे करते हुए नजर आएंगे अखिलेश, अपनी रथ यात्रा के साथ अयोध्या वासियों के बीच जाएंगे अखिलेश। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव दो दिन के दौरे पर रहेंगे, 8 और 9 जनवरी को अयोध्या में जाएंगे रहेंगे अखिलेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कोविड पॉजिटिव, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी में चल रहा इलाज। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोविड पॉजिटिव, मांझी के पूरे परिवार के 18 सदस्य हुए कोविड पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कोविड पॉजिटिव, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी में चल रहा इलाज। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोविड पॉजिटिव, मांझी के पूरे परिवार के 18 सदस्य हुए पॉजिटिव। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर कोरोना अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, अब वीवीआईपी लोग भी इसकी पकड़ में आ रहे हैं। बता दें मांझी और उनका पूरा परिवार कुल 18 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी संक्रमित हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, बड़ी खबर सामने आ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा कोरोना का प्रकोप, वेदांता हॉस्पिटल में 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, डीएम के आदेश के बाद स्टाफ और डॉक्टरों की कोरोना जांच की गई। राजधानी लखनऊ में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, बड़ी खबर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखा कोरोना का प्रकोप, वेदांता हॉस्पिटल में 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, डीएम के आदेश के बाद स्टाफ और डॉक्टरों की कोरोना जांच हुई। राजधानी लखनऊ में बढ़ा कोरोना का प्रकोप, प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का प्रकोप दिखा है, मेदांता हॉस्पिटल में 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, डीएम के आदेश के बाद स्टाफ और डॉक्टर की कोरोना जांच हुई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, सीधे तौर पर हॉस्पिटल जहां पे लोग इलाज के लिए जाते हैं वहां कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, मेदांता हॉस्पिटल में 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 44 मामले मेदांता हॉस्पिटल से सामने आए हैं जहां पे डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो धीरे धीरे कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, पूरे देश में कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना का संक्रमण और तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है और अस्पताल से 44 मामले सामने आए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एक अस्पताल से 44 मामले मिलना कितनी बड़ी बात है। जी शिखा, आपको बता दें कि लखनऊ के
सहारा हॉस्पिटल से जो डीएम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी हैं तो उनका कोरोना का नियमित रूप से जांच किया जाएगा। तो उसी दौरान सहारा हॉस्पिटल में स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया था, 44 स्टाफ वहां पे कोरोना पॉजिटिव निकल गए। जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे मैदानता तो और उस ठीक उसके बाद उनको क्वारंटीन किया गया और जो भी संबंधित वहां पे कर्मचारी थे सबका कोरोना टेस्ट किया गया है और तमाम अस्पतालों में इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं कि नियमित रूप से कोरोना की जांच की जाए और अगर कोई कर्मचारी पॉजिटिव होता है तो उसे क्वारंटीन करके और उसे स्वस्थ किया जाए, जिससे साफ तौर पे ये जो कर्मचारी हैं जो ये अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं वो निरंतर रूप से कई लोगों से मिलते हैं, इलाज करते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें प्रतिदिन टेस्ट की करना होगा और कुछ गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया उस हिसाब से उसको पालन करके और काम चलेगा। जी विभाषी, 44 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं एक ही अस्पताल के, तो क्या इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करी जाएगी, इनके संपर्क में आए लोगों की जांच करी जाएगी, किस तरह से ढूंढा जाएगा सभी को? जी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पे सबके जांच किए जाएंगे, जो भी लोग उनसे मिले जुले हैं या साथ के कर्मचारी हैं सबके टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 44 लोग पॉजिटिव मिले हैं अब तक। अब देखना ये होगा कि अन्य अस्पतालों में किस तरह का मामला है, क्या वहाँ कोरोना को लेकर लोग कितने सावधान हैं, खासकर हॉस्पिटलों में अनेक मरीज दूर दूर दराज से आते हैं, तो अब देखना ये होगा कि इसमें कैसे रोकथाम होता है और कैसे इसको काबू में किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर में हमारे साथ विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। बड़े बाजार में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने से बाजार में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर सामने आ रही है, खरीदारी करने गई दो महिलाएं हुई घायल, सीएचसी से जिला अस्पताल किया गया रेफर। बड़ी खबर सामने आ रही है, थाना तारुन के आगागंज का मामला बताया जा रहा है। भरे बाजार में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने से बाजार में मची अफरा तफरी। खरीदारी करने गई दो महिलाएं हुई घायल, बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएचसी से जिला अस्पताल किया गया रेफर। थाना तारुन के आगागंज बाजार का बताया जा रहा मामला। बीजेपी ऑफिस में हुई बड़ी बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के साथ हुई बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। कल देर रात हुई थी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी ऑफिस में हुई बड़ी बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के साथ हुई बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। कल देर रात हुई थी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में वितरण करेंगे साइकिल, गौरा के रामलीला मैदान में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली दौरा, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में वितरण करेंगे साइकिल। पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापामारी की कार्यवाही की गई, तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए पशु आहार के नमूने, मिलावट पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। किसानों द्वारा प्रशासन को दी गई थी मिलावटखोरी की सूचना, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी धान मिल में चल रहा था पशु आहार का कारोबार, पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई, तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई। जांच के लिए भेजे गए पशु आहार के नमूने, बड़ी खबर सामने आ रही है, मिलावट पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। किसानों द्वारा प्रशासन को दी गई थी मिलावटखोरी की सूचना, पुरानी धान मिल में चल रहा था पशु आहार का कारोबार, पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई,
तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की छापेमारी की कार्रवाई। सीएम योगी करेंगे नगरीय विकास परियोजना का लोकार्पण, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3,200 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। पीएम आवास के 50,000 लाभार्थियों को करेंगे लाभान्वित, बड़ी खबर सामने आ रही है। 500 करोड़ से अधिक धनराशि का ऑनलाइन करेंगे हस्तांतरण। सीएम योगी करेंगे नगरीय विकास परियोजना का लोकार्पण, बड़ी खबर सामने आ रही है। 3,200 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। पीएम आवास के 50,000 लाभार्थियों को करेंगे लाभान्वित, 500 करोड़ से अधिक धनराशि का ऑनलाइन करेंगे हस्तांतरण। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।